हाँ देखिए, मैंने उड़द दाल लिया है और इसे मैंने रात को भिगो के रख लिया था। अब इसको साफ कर लिया है मैंने और मिक्सी में इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये उड़द का दाल कम से कम 4 से 5 घंटे फूलने चाहिए। तो ये देखिए, मिक्सी के पॉट में डाली है मैंने, थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट कुछ इस तरह बनेगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और सबसे मेन होता है हमारा जो स्टेप होता है उसे फेंटना। दही के पेस्ट को आप जितना ही दही बड़े के पेस्ट को फेंटेंगे, आपका दही बड़ा उतना ही सॉफ्ट और स्मूथ बनेगा। तो इसलिए आप जितना हो सके दही को फेंटिए। आप स्पून से फेंट सकती हैं, नहीं तो आप अपने हाथों से भी फेंट सकती हैं, क्योंकि अगर इस तरह आपके दही अच्छी तरह ये जो हमारा पेस्ट है नहीं फूलेगा उड़द दाल का, तो आपके दही बड़े फ्लफी और स्पॉन्जी नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह हाथों की हेल्प से भी आप इसको फेटिए, कम से कम 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह फेटिए, तब जाके आपके बड़े जो हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और स्मूथ बनेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसे फेंट दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले मैं मीठे दही बड़े बनाऊंगी। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके जब पानी लीजिए एक बोल में और उसमें दही बड़े के छोटे टुकड़े डालिए। अगर आपका दही बड़ा तैरने लगेगा तो समझिए आपका जो दही का ये पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार है। अब एक कढ़ाई लेंगे हम। अब इसमें तलने के लिए हम कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसमें। तो पहले मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ, इसलिए मैंने दही बड़े के पेस्ट में भी कुछ नहीं मिलाया है, सिर्फ मैंने उसको इस तरह फेंट लिया है और उसके छोटे छोटे बड़े हम तल लेंगे। क्योंकि मीठे दही बड़े में मैं कुछ नहीं ऐड करती, बस नॉर्मल ऐसे ही ऐड कर लेती हूँ। तो मीठे दही बड़े के लिए यहाँ पे मैं दही तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है ठीक सा और इसको बिल्कुल इस तरह अच्छे से मथ लेंगे। ये देखिए, इस तरह करके आप इसको अच्छे से मथ लीजिए और इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, दही थोड़ा सा थिक ही रहेगा। इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 से 2 पिंच। उसके बाद इसमें 2 से 3/4 या आप अपने टेस्ट के अनुसार शुगर पाउडर ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, मैं शुगर पाउडर यहाँ पे ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून शुगर पाउडर लिया है और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे हम 1 पिंच, क्योंकि शुगर पाउडर इसमें डालने से आपका स्वाद जो है और भी अच्छा आएगा। और ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें अभी भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं या ऊपर से इसको सर्व करके खा सकती हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब ये हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम बड़े के छोटे छोटे इस तरह डालेंगे बड़े को। ये देखिए, साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े कर सकती हैं, बट दही बड़े के साइज ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए थोड़े छोटे छोटे बड़े रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। और इनको हम अच्छी तरह डाल लेंगे। आप देखिएगा कि बड़े, अगर आपके एक और है प्रूफ इसका, कि बड़े अगर आपके अच्छी तरह फूल गए हैं तो खुद बे खुद वो पलटने लगते हैं कढ़ाई में। आप देखते रहिएगा बड़ों को, तो इस तरह खुद पे खुद वो पलटने लगेंगे खुद से ही। आप सारे बड़ों को आप देख सकती हैं। तो ये बड़े आपके अच्छी तरह फेंट गए हैं, ये जानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इसको अब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक से इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसको हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहे हैं हमारे दही बड़े के। ये देखिए, इसे हमें कम से कम गोल्डन ब्राउन करना है। फुल फ्लेम पे हम इसे बिल्कुल फ्राई करेंगे, लो फ्लेम बिल्कुल ना करें। तो ये देखिए, हमारे दही बड़े बिल्कुल हो गए हैं। अब इनको बाहर कर लेंगे हम। बाहर करने के बाद एक प्रोसेस इसमें रहता है कि बड़ों को और भी ज़्यादा सॉफ्ट अगर आप बनाना चाहती हैं तो इसको हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें इसको डाल देंगे। ये देखिए, एक बर्तन में पानी लिया, इसमें बड़ों को मैं सिर्फ 30 सेकेंड के लिए डालूंगी, ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं डालेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर मैंने बड़ों को इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें से क्या करेंगे कि हम पानी को निचोड़ निचोड़ के बाहर करके एक बोल में हम रख लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह पानी को आप निचोड़ लीजिए अच्छी तरह, इस तरह। अगर आप चाहें तो पानी की जगह पे आप छाछ को भी ले सकती हैं और इसमें आप बड़ों को डीप कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो दही थे उसको अच्छी तरह फेंट लिया है मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे कि दही बड़े के ऊपर से इस तरह हम दही को चारों तरफ ऐड करेंगे।
ये देखिए दही बिल्कुल इसमें हमारा जो बड़े हैं हमारे वो दही में बिल्कुल डिप हो जाने चाहिए। तो चारों तरफ से इस तरह दही को हम कवर कर लेंगे। ये बहुत ही स्वीट स्वीट दही बड़े होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स इसको सजाएंगे, सर्व करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, बिल्कुल कंपल्सरी है, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स जब तक आप नहीं डालेंगे इसका लुक अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो ही आप इस तरह खा सकती हैं, लेकिन इस तरह पिस्ता, बादाम, किशमिश अगर इसके ऊपर आप गार्निश करके खाएंगी तो आपके दही बड़े का टेस्ट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये दही बड़ा। तो इस तरह मीठे दही बड़े आप हर प्रोजन पे बना सकती हैं, और इसको इस तरह मैंने सर्व किया है। तो ये आपका दही बड़ा तैयार है। अब यहाँ पे देखिए हम नमकीन दही बड़े बनाएंगे। तो नमकीन दही बड़े में ये जो हमारा पेस्ट है उड़द दाल का, इसमें हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इसमें मिलाएंगे हम मनपसंद थोड़ा सा नमक, और इनको थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा पतला करेंगे। आप इसमें अगर चाहें तो आप साबुत जीरा डाल सकती हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें आप अदरक डाल सकती हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ही ऐड की हूँ। तो दही बड़े तो पहले से फेटे हुए थे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के और इनको तल लेंगे। नमक वाले दही बड़े के साइज थोड़े से मैं बड़ा रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़े से बड़े साइज पसंद है। तो इसको भी सेम उसी तरह डाल के तल लेंगे, और आप देखेंगे कि जब नमक वाले दही बड़े आप बनाती हैं तो ये हमारा जो बिहारी दही बड़ा है, हमारे बिहार में दही बड़े इसी तरह से बनते हैं। तो इसको इस तरह से हम डाल लेंगे और देखेंगे कि जो उसका घोल होता है थोड़ा सा वो पतला होता है मीठे दही बड़े के अनुसार। अब इसको फुल फ्लेम पे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक से तलेंगे, उसके बाद इनको धीरे धीरे करके पलटेंगे। तेल को इस तरह आप ऊपर से इस पे लगा सकती हैं और एक एक दही बड़े करके इसको धीरे धीरे हम पलट लेंगे। ये दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी बनते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में बहुत ही। वैसे बहुत सारे टाइप के दही बड़े बनते हैं, हर जगह के अपने अपने पसंद होते हैं, और हर लोगों के बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, बट दही बड़े का प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पे ये मैं दही बड़े देखे तल ले रही हूँ, हल्का गोल्डन ब्राउन करूँगी, उसके बाद बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये देखिए दही बड़े के कलर धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे निकल जाएंगे। आप दही बड़े के साइज़ भी आप देख रही हैं कि जो मीठे वाले मेरे दही बड़े थे उससे थोड़े से बड़े हैं। तो ये आप साइज़ अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े कर सकती हैं, मुझे इस टाइप के ही पसंद है इसलिए मैंने किया है। तो ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसको हम बाहर कर लेंगे, और सेम इसी तरह जितने भी दही बड़े हैं सभी को हम तल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने बाहर कर लिया, और बाकी दही बड़ों को भी इसमें हम डाल लेंगे ताकि सभी तल लें। यह देखिए दही बड़ा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और खाने में अगर रहे तो हमारे खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। तो ये देखिए मैंने सारे दही बड़ों को तल लिया है, इसे भी सेम उसी प्रोसेस में जो पानी रह गया था उसमें ही मैं इसे भी डिप कर लूँगी, और उसके बाद इसको छान के और इसका जो तैयार करेंगे हम दही बड़े का घोल वो नमकीन होगा, क्योंकि इसको दही जो हमारा होता है उसमें नमक हम डाल के ऐड करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग इसमें अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दही है, घर का बिल्कुल फ्रेश दही है, और इसको अच्छी तरह हम इस तरह घुमाते हुए थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं, या आप मतनी से इसको मत सकती हैं, क्योंकि दही जो है हमारा बिल्कुल चिकना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह मैंने बना लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन पाउडर डालेंगे, ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है तो आप ना डालें, और थोड़ा सा इसमें नॉर्मल सॉल्ट हम ऐड करेंगे। इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। हमारे बिहार में जो नमकीन दही बड़े हैं वो ऐसे ही बनते हैं, और इसमें हमारे शुगर बिल्कुल ऐड नहीं होता है नमकीन दही बड़े में। और यहाँ पे दही बड़ों को मैं इस तरह रखूंगी, ये देखिए इसमें क्या होता है कि दही बड़े जब आप एक साथ ज़्यादा बनाते हैं तो सभी को दही में डालने के बजाय आप पानी में डाल के रख लें। जब भी आपको दही बड़े खाने हों तो आप इस तरह दही लेकर उसके ऊपर से इसको सर्व करके खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि दही बड़े लंबे टाइम तक आपके खट्टे नहीं होंगे, और आप इसको एक सप्ताह तक खा सकती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह सर्व कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे,
ये देखिए और अब आपके ये खट्टे दही बड़े बिल्कुल पसंद है, ये नम नमकीन दही बड़े हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत स्पॉन्जी लगते हैं और इजी तरीके से ये बन भी जाते हैं। तो चलिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिए।